ये है पोर्टोनिक्स का नया स्पीकर रीसाउंड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको ऑडियो केबल लगा के क्यों रखा है, क्योंकि इसके बिना इसका रेडियो बिल्कुल भी काम नहीं करता। अगर ये निकाल दे इसका एंटीना जैसा जो काम कर रहा है, तो इसका रेडियो बिल्कुल भी नहीं चलता। इसका साउंड क्वालिटी डिसेंट है, दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत ही छोटा सा क्यूट सा कैरी कर सके ऐसा एक स्पीकर है, लेकिन अगर इसको आप कंपेयर करो इस स्पीकर से जो कि है पोर्टोनिक्स का बाउंस, मेरा फेवरेट एफएम स्पीकर, ये भी पोर्टोनिक्स का है, और इसका साइज कंपैरिजन देखिए कितना छोटा है, लेकिन फिर भी इसमें कोई पावर ऑन एंटीना लगाए बगैर आदि की लाठी लाना हर तो वो है हम। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ। तो इतना छोटा होने के बाद भी इसका साउंड क्वालिटी बेटर है। इसके जितना शायद लाउड नहीं होगा, इसके जितना बेस नहीं होगा बाउंस के जितना, लेकिन इसका क्वालिटी, इसका सेपरेशन, इसका हाइज मिड्स बहुत ही अच्छा है। ये बहुत छोटा है, ये लिटरली आप बैग में कहीं भी रख के लेके जा सकते हो। दोनों का वॉटेज सेम है, 5 वॉट स्पीकर है ये भी और ये भी। यहाँ पे तो लिखा हुआ है 5 वॉट्स करके, इसके बॉक्स में लिखा हुआ है 5 वॉट्स अगर आप ध्यान से देखोगे तो। दिस इज सच अ गुड स्पीकर, ये छोटा सा बाउंस। अभी कंपेयर करते हैं कि साउंड क्वालिटी कैसा है दोनों का रेडियो के साथ। और हीरो किशोर कुमार के लिए किस किस प्लेबैक सिंगर ने अपनी आवाज दी, ये प्रश्न पूछा है रायपुर के महेंद्र मुक्तिबोध ने। सवाल का जवाब लेकर हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद, आप सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनिल कपूर। बेसिकली दोनों स्पीकर्स हैं पोर्टोनिक्स के, दोनों की प्राइस लगभग सेम है। ये आई थिंक अभी 1200 रुपये का है, ये 900 रुपये का है, तो 300 रुपये का फर्क है। लेकिन आई वुड से कि अगर आपको नया स्पीकर लेना है एफएम सुनने के लिए और कैरी करने के लिए, तो डेफिनेटली बाउंस लीजिए, ये भूल जाइए, बिकॉज ये दिखने में अच्छा है, इसमें लाइट है, लेकिन ये बहुत बड़ा है। और अगर आपको एफएम सुनना है तो ये बिल्कुल आप सुन नहीं सकते हो बिना इस ऑडियो केबल के।